वीडियो में हम लोग इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे। दिया गया है ए टी बराबर 21, बी ए टी 23 लिखा है, सी ए आर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए क्या किया गया है, जो आपको अल्फाबेट दिया गया है उसकी वैल्यू को जोड़ के यहाँ उसका मान रखा गया है। जैसे ए 1 हो गया, टी का मान 20 हो गया, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ वही लिखा है। नेक्स्ट है बी ए टी, बी का मान 2 होता है, ए का मान 1, टी का मान 20, तो 20 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें ये ज्ञात करना है सी का मान 3, ए का मान 1, आर का 18 होता है। आई होप कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि ए को किससे डिनोट करते हैं, आर को किससे डिनोट करते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो कमेंट में बताएं, हम आप लोगों को उसके लिए भी ट्रिक बना देंगे। तो ये सब जोड़ देंगे तो आपका 22 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।